पंजाब चुनाव 2022 में 18 फरवरी की शाम अपने पत्ते खोल सकता है डेरा सच्चा सौदा। 20 फरवरी को पंजाब में होगा मतदान। नमस्कार, मैं शिवानी, न्यूज 10 इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होना है। उससे पहले डेरा सच्चा सौदा बड़ा ऐलान कर सकता है। सभी राजनीतिक दलों की निगाहें डेरा प्रमुख राम रहीम के ऐलान पर टिकी है। पंजाब विधानसभा चुनाव के मौजूदा माहौल के बीच डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के जेल से रिहा होने के बाद चुनावी जोड़ घटाना में लगे सभी दलों और नेताओं की नजरें डेरा प्रमुख राम रहीम के ऐलान पर टिकी है। बीते हर चुनाव में डेरा मुखी का ऐलान जीत हार के खेल में बड़ा बदलाव लाता जा रहा है। डेरा सच्चा सौदा इस बार 18 फरवरी की शाम को पंजाब में यह ऐलान कर सकता है कि इस बार डेरा प्रेमी किस राजनीतिक दल का समर्थन करेगा। इस बार यह ऐलान सार्वजनिक तौर पर ना होकर केवल डेरा प्रेमियों तक संदेश के रूप में पहुंचेगा। उल्लेखनीय है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने शिया भाजपा गठबंधन का समर्थन किया था। इसके चलते तेजी से आगे बढ़ता आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। डेरा अनुयायियों के अनुसार डेरे का सियासी विंग 18 फरवरी की शाम को डेरा प्रमुख के फैसले को डेरा प्रेमियों तक पहुंचा सकता है। उल्लेखनीय है कि 18 फरवरी की शाम को ही पंजाब में चुनाव प्रचार थम जाएगा और 20 फरवरी को मतदान होना है। डेरे की तरफ से फिलहाल पंजाब में सभी जिलों का कमेटियों का गठबंधन किया है, जो सर्वे करके अपनी रिपोर्ट सियासी विंग को सौंपेंगे। इसके अलावा विंग ने मीडिया की खबरों के आधार पर भी एक रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी। पंजाब विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा के समर्थन देने से पहले नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। अभी तक इस पार्टी को चुनाव में समर्थन देने पर मुंह नहीं खोला है। हालांकि कहा है कि अगले आने वाले दिनों में इस पर फैसला लिया जाएगा। डेरे के फैसले से बहुत प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई है। गुरमीत राम रहीम का इशारा पंजाब चुनाव का रुख बदल सकता है। डेरा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फरलो मिलने के बाद भटिंडा के सलाबतपुरा डेरे में हलचल तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में यहां एक बड़ा आयोजन होने वाला है। इसको लेकर पंजाब हेडक्वार्टर सलाबतपुरा में कंस्ट्रक्शन वर्क जोरों पर चल रहा है। हालांकि डेरा प्रेमी यहां पर बहुत कम संख्या में दिखाई देने वाले हैं, लेकिन चर्चा चुनाव पर ही चल रही थी। अभी तक किसी को पंजाब में किस पार्टी को समर्थन देने पर तो मुंह नहीं खोला है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर फैसला हो जाएगा। हम तो सेवादार हैं, यहाँ पर सेवा का काम चल रहा है। बता दें कि मालवा की अधिकतर सीटों पर डेरे का काफी प्रभाव दिखता है। भटिंडा के डेरा सलाबतपुरा में डेरा प्रेमियों की गतिविधि बढ़ गई है। डेरा प्रमुख के समर्थी हरमिंदर जस्सी के समर्थन का ऐलान होते ही हर ब्लॉक से संगत तलवंडी साबो हलके में प्रचार के लिए पहुंच रही है। डेरा प्रेमी पंजाब की कांग्रेस सरकार से भी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बेअदबी मामले में उनको शामिल किया गया था। डेरा प्रबंधक सुरजीत सिंह ने कहा है कि अब तक सिर्फ डेरा प्रमुख के संबंधी हरमिंदर जस्सी के समर्थन के लिए प्रेमियों को चुनाव प्रचार करने के लिए कहा है। इसके अलावा और किसी भी उम्मीदवार या पार्टी के लिए कोई मैसेज दिया नहीं गया है। जैसे ही इस बारे में डेरा की राजनीतिक विंग का फैसला आएगा, उसका पालन भी किया जाएगा। आपको क्या लगता है, इस बार डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख किस तरफ अपना रुख बदले? सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।